जो इतने मेडल लगाते हैं उनसे कभी आपने पूछा है कभी भी किसी पाकिस्तानी से पूछो कि ये किस वॉर के मिले थे उनको? चलो पाकिस्तान जंग की बात कर सकता है लेकिन जंग कभी नहीं कर सकता। जब उन्होंने राहुल जी को वहाँ से फ़ोटो हटा के सोनिया जी की लगाई तो राहुल जी का वो फ़ोटो के ऊपर खड़े हुए थे वो कांग्रेस वाले। जब तक मोदी जी हैं देश इतने आगे निकल जाएगा कि बहुत लोग हैं जो पीछे छोड़ जाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह है, AJAB। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेहतर है आपके हिसाब से या हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उससे बेटर तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा जी, उससे बेटर कोई प्रधानमंत्री नहीं। और इमरान खान? जीरो, उसको मालूम ही नहीं उसको क्या करना है। वो तो अपने संसद में बोलता है कि मैं युद्ध कर लूँ क्या, उसको तो मालूम ही समझ में नहीं आता उसको करना क्या है। अच्छा जी, आप उस पर सर्च करो नेट पे, उसको भिखारी तो वही उसी का फोटो आता है। नेट पे सर्च करेंगे इमरान खान तो भिखारी की फोटो आएगी? नहीं, आप भिखारी डालो नेट पे तो उसकी फोटो आएगी इमरान खान साहब की। तो ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है क्या है, उसको वो बोलता है कुछ है, करता है कुछ है। वो खुद बोलता है कि हमारे देश में 30-40 हज़ार टेररिस्ट हैं, लेकिन जो आर्मी उसको चुप करा देती है। आतंकवाद जो इतना बढ़ावा दे रहा है, लगता है कौन, पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? पाकिस्तान, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारी पहले की गवर्नमेंट थी वो जो सहती रही, चाहे उसमें BJP की गवर्नमेंट पहले रही हो या कांग्रेस की रही हो या किसी की भी रही हो, जो एक इंडिया का वो स्टैंड था ना, हम इसकी निंदा करते हैं ये करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। जो अभी जो मोदी जी जब से पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, ये एकदम से वो अपना पूरा स्टैंड लेते हैं और जो करते हैं वो बिल्कुल क्लियर कट करते हैं। और पाकिस्तान का साथ चाइना के अलावा कोई और देश नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, ना कोई देगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके चाइना की भी अपनी मजबूरी है, कि उन्होंने जो CPEC जो वहाँ पे बनाया हुआ है, इतने करोड़ों डॉलर डाले हुए हैं, तो उसकी अपनी मजबूरी है उसका साथ देना। अच्छा, तो चाइना के अलावा कोई साथ नहीं दे रहा है, और वो वैसे सब जगह जा रहा है, अपने मांग रहा है। देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या है कि सबको मालूम है कि राइट क्या रॉन्ग है। आप, मैं आपका कोई भी रिश्तेदार हूँ, लेकिन आप एक लिमिट तक मेरा साथ देंगे, वो उससे आगे नहीं जाएंगे। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में कोशिश कर रहा है इमरान खान, ये पाकिस्तान सरकार कोशिश कर रही है कि वो उनको सिंपति दे, दया दे, बेसिकली अपना करने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं होने वाला उसमें, क्योंकि जो ऐसी चालाकी क्यों कर रहे वो, देखिए सबको मालूम है पाकिस्तान ने अपने उनके यहाँ पे जो कश्मीर है उसके लिए क्या करा, कुछ भी नहीं करा, ना वहाँ पे कोई कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई एयरपोर्ट है। और जो यहाँ पे इंडिया में जो हमारे पास में जो कश्मीर है उसके लिए हर सब चीज़ की सुविधा, ये सुविधा तब है जबकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए जिनके पास में पावर थी वो पूरा फंड खाते थे। आप इंटरनेट पे देख लीजिए कि जितने लोग हैं जो हमारे देश में, उसका 1% यहाँ पे रहता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो हमारे देश की GDP है उसका 10% वहाँ पे जाता है। और जब भी विकास नहीं हुआ वहाँ पे, क्यों? क्योंकि बीच वाले लोग खाते रहे। इंडिया में सबके लिए घर है, सबके लिए साथ है, लेकिन पाकिस्तान या कई और देशों में ऐसा है कि वो अपनापन नहीं है। इंडिया इतना उधार, आपको क्या लगता है इतना बड़ा दिल क्यों है इंडिया? इंडिया का देखिए, आप जितने भी हिंदू हैं, निकले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई सब रहते हैं, सब रहते हैं, वो सबका बड़ा दिल है। और ना कभी इंडिया का ये रहा है कि कभी इंडिया ने किसी के वो वार नहीं करा है अपनी तरफ से। वो सॉफ्ट है थोड़ा सा, और वो पहले से सॉफ्ट है, पहले की जो गवर्नमेंट थी वो सॉफ्ट थी। आतंकवादी कोई भी ट्रस्ट हो अटैक हुआ उसके बाद में हम निंदा करते ये करते, फिर यहाँ पे रुक गए। लेकिन मोदी जी यहाँ पे रुकने वाले, आगे भी आप मोदी को ही देखना चाहेंगे? हमेशा, हमेशा मोदी को, हमेशा। और ये जब तक मोदी जी हैं देश इतने आगे निकल जाएगा कि बहुत लोग हैं जो पीछे छोड़ जाएंगे, उनमें से कांग्रेस पार्टी भी। कांग्रेस में अभी सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट अध्यक्ष बना दिया गया, वो मैंने देखा है, वो फोटो भी है मेरे मोबाइल में, आप कहो तो मैं दिखाता हूँ कि जो लोग हैं वो इतने बदतमीज हैं। जब उन्होंने राहुल जी को वहाँ से फ़ोटो हटा के सोनिया जी की लगाई तो राहुल जी का वो फ़ोटो के ऊपर खड़े हुए थे वो कांग्रेस वाले, और उसका वो फ़ोटो लगा रहे थे। आप बोलो तो मैं दिखा देता हूँ मेरे मोबाइल में। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर सोनिया जी अध्यक्ष बना दिया, तो राहुल जी मतलब आप इतनी जल्दी पैरों में आ गए। और कांग्रेस की सबसे बड़ी रही है कि वो गांधी फैमिली के आसपास में घूमते रहे। वाजपेयी जी की डेथ हुई थी, प्रधानमंत्री थे वो, नरेंद्र मोदी जी पैदल गए थे शांतिवन, आपने भी देखा होगा। और नरसिम्हा राव जी की जब डेथ हुई थी उनको कांग्रेस मुख्यालय भी नहीं लाया गया था, ये आप
नेट पे भी चेक कर सकते, उनको लाया नहीं गया था वहाँ। काफी नॉलेज है आपको देश के बारे में, सबके बारे में, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या ये नॉलेज आपने किसको सीक्रेटली रख रखी है? नहीं, वैसे नॉर्मल हर इंसान को होनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात। देश के बारे में आप हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि हम जिस देश के नागरिक है उस देश में हो क्या रहा है। अगर पाकिस्तान जैसे जंग छेड़ने की बात करता रहता है, हमेशा लड़ाई की बात करता रहता है, कभी अगर वो कुछ करे तो क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? मैं एक बात पूछता हूँ, आपके पास में 100 रुपये, आपने 10 रुपये खर्च कर दिए तो कितने पैसे बचे आपके पास में? 90 रुपये जरूर रहे ना। मेरे पास में तो 2 रुपये हैं, तो मैं उनको खर्च कर लूँ या ना कर लूँ? पाकिस्तान जंग की बात कर सकता है लेकिन जंग कभी नहीं कर सकता। जंग की बात कर सकता है लेकिन जंग कभी नहीं कर सकते। आप आर्मी जो जो चीफ है या कोई भी है जो इतने मेडल लगाते हैं, उनसे कभी आपने पूछा है कभी भी किसी पाकिस्तानी से पूछो कि ये किस वॉर के मिले थे उनको? कारगिल वॉर में हारने के लिए, 71 में हारने के लिए, या 62 में हारने के लिए? किस चीज़ के लिए मिले थे उनको? सर आपकी जो नॉलेज है वो वाकई काबिलियत तारीफ है, एंड आप एक इस तरह से मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि देश के बारे में जानिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब लोगों को थैंक यू।